हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन में। फ्रेंड्स, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको साल 2020 के अंदर आने वाली नई नई वैकेंसीज, उनसे संबंधित होने वाले एग्ज़ाम्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फ्रेंड, आज जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो श्री अरविंद महाविद्यालय, जो कि एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और वो जानकारी जो कि अभी लेटेस्ट है 21 जनवरी 2020 की, और विद रेफरेंस नंबर दिस, ये नया नोटिफिकेशन आया है। चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये बताया गया है कि इन कंटिन्यूएशन टू द कॉलेज नोटिफिकेशन नंबर डेटेड 4 अक्टूबर 2019 एंड नोटिफिकेशन नंबर 31 अक्टूबर 2019, फ्रेश एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑन प्लेन पेपर इन ए सील्ड एनवलप। सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए था वो, फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्टुअल बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एप्लीकेशन शुड बी रीज टू द प्रिंसिपल श्री अरविंद कॉलेज मालवीय नगर न्यू दिल्ली, पिन कोड नंबर है 110017, लेटेस्ट बाई 28 जनवरी 2020 टिल 11 AM। लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2020 है टिल 11 बजे तक, बाई हैंड और बाई स्पीड पोस्ट। दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अर्लियर विद रेफरेंस टू द अबो मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर नीड नोट अप्लाई अगेन। ठीक है जी, अगर आपने पहले अप्लाई कर चुके हैं तो अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर दीज पोस्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल विल बी एज अंडर। जूनियर असिस्टेंट के लिए 1 फरवरी 2020 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। पेपर टू रहेगा, वो 1 आवर का रहेगा, 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक। और टाइपिंग टेस्ट जो 10 मिनट की रहेगी वो 3 PM to 3:10 PM तक रहेगा। वेन्यू रहेगा वो श्री अरविंद कॉलेज मालवीय नगर न्यू दिल्ली रहेगा। ये थी जूनियर असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है MTS के लिए, 1 फरवरी 2020 को ही टाइम है इनका, सुबह 10 से 1 बजे तक, सेम वेन्यू रहेगा इनका। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए विल बी नोटिफाइड लेटर। टाइपिंग टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। ठीक है जी, पोस्ट सीनियर असिस्टेंट एज लिमिट 35 ईयर है और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन बाय एज पर गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वर्किंग एज PS, PA, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, ऑटोनोमस बॉडीज, PSUs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मीटर्स या 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 इंग्लिश और 55 MTS इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन, एडिटिंग। और डिजायरेबल में है ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की, एज लिमिट 27 रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके लिए वो देख लीजिए, 10+2 with 50% marks और मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स और रिक्रूटमेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट MTS,
लेबोरेटरी इज लिमिट 27 है, एज रिलैक्सेशन भी रहेगा एज पर गाइडलाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट, आल्सो टाइपिंग टेस्ट फॉर JACT टू adjust their ability of expression and knowledge. The selection will be based on the performance of the candidates in the written test. Next, the college reserves the right to change the nature and or number of post advertised or to abolish the post without assigning any reason thereof. Next, the college reserves the right to fill or not to fill any all the post advertised. Next, any addendum and corrigendum will be notified on the college website only and also on our YouTube channel. If at any point the candidate is found to be ineligible, his or her candidature will be stand cancelled. Candidates are also advised to monitor the college website before coming to the test venue and are also required to report at the test venue an hour before the commencement of the test. एक घंटा पहले आपको पहुंचने की कोशिश करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए examinations की आप श्री अरविंद जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है www.aurobindo.du.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको TDA पे नहीं किया जाएगा। Candidature of the candidate to the test is entirely provisional and subject to fulfill the required qualification, experience and verification of documents. Candidate must bring the identity proof such as driving license, voter card, passport, PAN card and Aadhaar card at the time of written test. Please note, no separate letters are being issued by the college. किसी प्रकार का कोई separate letter वो आपको नहीं भेजा जा रहा है। तो फ्रेंड ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैकेंसीज एंड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।